हेलो दोस्तों, आज हम माइनक्राफ्ट में बनाने वाले हैं एक पिलर्स एंड स्टेयर्स। मेरी ये वीडियो बाकी वीडियो से बहुत लंबी होने वाली है। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं आधे घंटे का बनाने वाला हूँ। ये जो वर्ल्ड टाइप है ये क्रिएटिव में हम बनाने वाले हैं और ये एकदम फ्लैट वर्ल्ड रहेगा। फ्लैट वर्ल्ड में आपका जो वर्ल्ड रहता है वो एकदम प्लेन रहता है, उसमें आपको कुछ नहीं दिखता है। ये फ्लैट वर्ल्ड में बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें रेडस्टोन के बहुत सारे हाउसेस हैं, इस रेडस्टोन के बहुत सारे गेट्स हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। क्योंकि इसमें अगर हम वर्ल्ड को डिग करेंगे तो बस हमारे पास 4 to 5 ब्लॉक्स रहते हैं जिसे हम डिग कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद इधर मैं एक और ये पिलर क्वार्ट्ज ब्लॉक लगा रहा हूँ जो कि मिला के टोटल 15 हुआ। अब ये जितना भी स्पेस है इसे हम स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक से भर देंगे। इसे पूरा फिल हो जाने के बाद हमें यहाँ से 3 डिग करना है, 2 ब्लॉक डाउन 3 ब्लॉक फॉरवर्ड। फिर हमें स्टिकी पिस्टन लेना है और रेडस्टोन लेना है। ये रहा स्टिकी पिस्टन, हम स्टिकी पिस्टन को यहाँ पे 3 स्टिकी पिस्टन को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और उसके बैकवर्ड में हम 3 डिग कर लेंगे, 3 अक्रॉस 2। और अब रेडस्टोन डस्ट लेना है हमें।
इसे हम रेस्टोन भी कहते हैं। मैं गलती से रेस्टोन डस्ट कह रही हूँ। ग्रास ब्लॉक भी ले लेना है। ये गलती से मैंने यहाँ पर डिक कर दिया है। हम उस स्टिकी पिस्टन को मेन फ्रेम के एक ब्लॉक पीछे प्लेस करना है और उसके पीछे हमें डिक करना है रेस्टोन के लिए, ताकि हमारा गेट ऑटोमेटिक लीवर से ऑन ऑफ हो सके। अब यहाँ पे एक लीवर ले लेंगे चेक करने के लिए कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए सही से ये काम कर रहा है, इसको हम लीवर तोड़ देंगे अभी। ये अभी इसका हमें जरूरत नहीं है। अब हमें पिलर क्वार्ट्ज ब्लॉक लेना है और यहाँ पे ऐसे ही प्लेस कर देने हैं। फिर उसके बाद ऊपर से हम प्लेस कर देंगे ये पिलर क्वार्ट्ज ब्लॉक। अब यहाँ पे हम स्टिकी पिस्टन प्लेस कर देंगे ताकि हमारा गेट ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो सके। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम तोड़ देते हैं। यहाँ पे हम पॉट्स का स्टेयर लगा देंगे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पर रेस्टोन का कनेक्शन हम कर देंगे। यहाँ पे ये रेस्टोन लगाया, फिर एक ब्लॉक नीचे आके हम फिर एक रेस्टोन क्वार्ट्ज ब्लॉक लगा देंगे और उसके ऊपर रेस्टोन लगा देंगे। ये पूरा रेस्टोन का कनेक्शन बनाने के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ये यहाँ पे मैं तोड़ रहा हूँ ताकि यहाँ पे ये अच्छा से कवर हो जाए, हमारा रेस्टोन दिखे ना। यहाँ पर लीवर प्लेस कर देंगे तो ये अच्छा से वर्क कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये लीवर छोड़ देंगे और अपना आगे का बिल्ड करेंगे। हम ग्रास ब्लॉक लेके इसे ऊपर से कवर कर देंगे पूरा। ये बस मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए, किसी को कुछ दिखे नहीं। यहाँ पर हम क्वार्ट्ज के स्लैब लगा देंगे। याद रहे आपको सब चीज स्मूथ क्वार्ट्ज का यूज करना है। आप क्वार्ट्ज ना यूज करें, स्मूथ क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज का जो टेक्सचर होता है वो नॉर्मल क्वार्ट्ज ब्लॉक से ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम ये पूरा कवर कर देंगे ताकि हमारा, हम ये स्लैब से इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि हमारा जो रेस्टोन का कनेक्शन है वो टूटे ना। ये अच्छे से पूरा कवर कर दें, यहाँ पर ये नहीं लगेगा, याद रखिए। अब यहाँ पर जो भी दिख रहा है इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे क्वार्ट्ज ब्लॉक, स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक से। यहाँ पर भी हम क्वार्ट्ज ब्लॉक प्लेस कर देंगे स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक।
से अच्छा से कवर कर देना। और ये जितने भी स्टिकी पिशन है उसके ऊपर हम रेडस्टोन, जो स्टिकी पिशन है उसके ऊपर में और नीचे में हम स्मूथ पॉट ब्लॉक लगा देंगे ताकि अच्छे से वर्क करे। यहाँ पर मैंने क्वार्ट्ज ब्लॉक लगा दिया था जिससे शायद ये खराब हुआ है। यहाँ पे हम स्लैब लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हुआ है, इसे हमें कनेक्ट करना होगा तभी ये चलेगा। अगर ऊपर और नीचे का रेस्टोन अच्छा से कनेक्ट नहीं हुआ हुआ रहेगा तो आपका ये नहीं चलने वाला। यहाँ पे ये लगा देंगे और हम लीवर को यहाँ पर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से वर्क करे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अच्छा से वर्क कर रहा है, दोनों गेट अच्छा से क्लोज हो रहा है। ये हमारा जो मैनिशन है उसका ये मेन गेट है। अब हम इसे अच्छा से कवर कर देंगे ताकि किसी को भी ना दिखे, एकदम अच्छा से कवर कर देना है। इसको कवर मत करिएगा, आप यहाँ पे स्लैब लगा दीजिएगा तो ठीक रहेगा। ये ऐसे भी ठीक है, यहीं पे लगाइएगा तो। यहाँ पर क्वार्ट्ज ब्लॉक से हम कवर कर देंगे, इससे भी अच्छा से हम क्वार्ट्ज ब्लॉक से पूरा कवर कर देंगे ताकि हमारे जो इंट्रेंस है वो एकदम स्मूथ रहे। यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ के आप लीवर लगा दीजिए और इसे अच्छा से कवर कर दीजिए। अगर आपको मैनिशन को ऊपर से भी एकदम अच्छा लुक देना तो आप अच्छा से को डेकोरेट कर सकते हैं। मैं अभी इसे ऐसे ही बना रहा हूँ। यहाँ पर एक लीवर लगाएंगे हम, यहाँ पर ताकि गेट बाहर से भी कोई खोल सके या बंद कर सके। ये देखिए, बाहर से भी अच्छा से वर्क कर रहा है। यहाँ पे स्टेयर लगाने के लिए ज़्यादा सोल्डर लगेंगे तो मैं यहाँ पे स्टेयर लगा देता हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छे आइडिया है तो आप वो यूज कर सकते हैं। ये पार्ट वन है, पार्ट टू इस वीडियो का जल्दी आने वाला है, करीबन 2-3 दिन में। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर हम 50 स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक लगाएंगे क्योंकि ये मैनिशन का जो लेंथ होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पर अभी पूरे 50 नहीं लगाने वाला हूँ, अभी मैं कुछ 30 लगाने वाला हूँ। आगे वीडियो में मैं इसको एक्सटेंड करके 50 कर दूँगा। इसी वीडियो में आप चाहे तो पहले 50 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये शायद मैंने ये 30 किया है पर ये आगे में एकदम 50 हो जाएगा। और इसे एकदम अच्छा से कवर कर दें आप। ये मैं अभी 45 कर दिया हूँ उसको, नहीं अभी ये 40 है, थोड़ी देर बाद आगे मैं वीडियो में इसको 50 भी कर दूंगा, 45 50।
और ये जितने भी पार्ट आएंगे उसमें रेस्टोन का बहुत ही ज़्यादा नीड है, तो आप अच्छा से देखिएगा तो आप समझ पाइएगा। तो अगर आपको माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज का गेम प्ले चाहिए तो आप कमेंट करें। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे खेलें सर्वाइवल तो मैं वो भी सिखा सकता हूँ, बस आपको कमेंट करना है। इसे एकदम अच्छा से कवर कर दीजिए आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पूरा अच्छा से कवर हो गया है। अब मैं इसे एक्सटेंड करके फिर टिक कर देने करने वाला हूँ। इसके बाद हम यहाँ का पार्क बनाने वाले हैं ताकि हम अंदर जा पाए। उसमें जो गैराज रहेगा उसमें आप अपने एनिमल्स को रख सकते हैं, इसके लिए आपको फार्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो अपने एनिमल्स रख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर इसके पाथ बना रहे हैं। हम यहाँ पर ये मैं क्वार्ट्ज के अभी लगाया हूँ ताकि मेरा जो लेवल है वो आधा डाउन हो गया, इससे थोड़ा सा बेटर लुक आता है। ये जो मेरा गेट से एकदम हम घुसेंगे तो वहाँ से आपको 15 ब्लॉक तक आपको पहले एकदम स्ट्रेट बनाना है
फिर उसके बाद वो वहां से थोड़ा कर्व होके फिर वहां से एकदम सीधा जाएगा। अभी ये देखिए 15 होगा पूरा। ये देखिए 15 हो गया है, मैच कर लेते हुए। हाँ ये 15 हो चुका है, तो अभी इसे थोड़ा सा हम कर लुक देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ेंगे तो एक स्लैब लगा देंगे, फिर यहाँ पे हम ये ब्लॉक और ये ब्लॉक को ग्रास से फिल कर देंगे। डिफेंस का कर्व लुक आ रहा है, नॉर्मल से वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी लग रहा कि परफेक्ट कर हो गया है, अब हम आगे अपना डेक करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको माइनक्राफ्ट में घर चाहिए एकदम फ्री में बिना मेहनत किए हुए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। उसमें आपके लिए वैरायटी ऑफ घर रहेंगे, उसमें आपको एरोप्लेन भी मिल सकता है, हेलीकॉप्टर भी मिल सकता है, शिप भी मिल सकता है। ऑटोमेटिक घर वो रहता है उसमें, मतलब कुछ कुछ घर ऑटोमेटिक रहता है, जिसमें पूरा घर ऑटोमेटिक रहेगा, पूरा रेडस्टोन से चलेगा घर, रेडस्टोन से लाइट ऑन ऑफ। यहाँ पर हम सी लार्टन लेंगे, ये तो 5th नंबर पे है, इसे हम ले लेंगे। ये सी लार्टन जो रहते हैं बहुत अच्छे लाइट दे देते हैं, देखिए कितना लाइट दे दिया। तो जहाँ पर अभी इतना अंधेरा था वहाँ पर इतना सारा लाइट आ गया, ऊपर भी ऐसे प्लेस कर देंगे। और ये जो पूरा पाथ है इसमें भी हम साइड में सी लार्टन लगा देंगे, थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा, पूरा ब्राइट बन जाएगा, देखिए कितना लाइट दे रहा है। अगर आपको और कुछ माना तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी इस चैनल पे मैं माइनक्राफ्ट के बहुत सारे गेम प्ले डालने वाला हूँ, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं कौन कौन सा गेम प्ले डालूँ। इसे ग्रास वाले सारे ब्लॉक को हटा के स्लैब या ब्लॉक स्मूथ पार्ट ब्लॉक से आप कवर कर दीजिए, तो ये थोड़े से अच्छे लगेंगे पहले से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चैनल को आप ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक लोगों के साथ। ये माइनक्राफ्ट जो गेम है ये मैं मिथफेयर से
इंस्पायर होकर खेलना स्टार्ट किए हैं। उन्हीं के गेम प्ले देख देख के मैंने ये माइनक्राफ्ट सीखा और लाइव इंसान का भी गेम प्ले देख के मैंने माइनक्राफ्ट खेलना सीखा, वरना पहले मुझे कुछ नहीं आ रहा था। मैं इस साल से माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट किया हूँ और अब मैं बहुत अच्छा खेल लेता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि पबजी का गेम प्ले डालता है, आप उसे भी देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल का नाम है यस गेमर 3.0। ये देखिए सुबह भी हो गया और ये अभी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ऊपर जाके हम देखते हैं। ये पता नहीं थोड़ा सा मुझे नल टाइप क्यों लग रहा ऊपर में, देखिए एकदम आसमान की ऊंचाई से दिख रहा। अब हम यहाँ पे एक आधा लेवल और डिक्रीज कर रहे हैं, अभी टोटल मिलाकर पूरा 1 लेवल डिक्रीज हो चुका है। तो अब हम बस यहीं तक रखते हैं, अब आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे।